हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कल्चर बच्चों आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ क्लास थ्री के सब्जेक्ट मैथ्स प्रियोडिक टेस्ट टू के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन के जी इज इक्वल्स टू डैश ग्राम सभी बच्चों को पता है कि वन के जी में वन थाउजेंड ग्राम होते हैं सो द करेक्ट आंसर इज वन थाउजेंड ग्राम

तो पॉपकॉर्न जो है ज़्यादा स्पेस कवर करता है सो पॉपकॉर्न नीड अ अगर बैग सो योर करेक्ट आंसर इज़ वन के जी पॉपकॉर्न ना क्वेश्चन नंबर फोर विच इज़ हैवियर योर शूज़ अ पेंसिल तो बच्चों पेंसिल से शूज़ जो होती है हेवियर होती है सो द करेक्ट आंसर इज़ योर शूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव फिल इन द ब्लैंक्स सिक्सटी वन सिक्सटी सिक्स सेवेंटी वन सेवेंटी सिक्स तो बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे ये एक पैटर्न बन रहा है आपका ग्रोइंग पैटर्न इसमें आप देखिए सिक्सटी वन से सिक्सटी सिक्स के बीच में फ़ाइव नंबर्स का डिफरेंस है देन सिक्सटी सिक्स से सेवेंटी वन के बीच में फ़ाइव नंबर का डिफरेंस है देन अगेन फाइव प्लस फ़ाइव है सो so, अगेन हम प्लस फ़ाइव कर देंगे यहाँ पर बच्चों तो यहाँ पर हमारा जो नंबर आएगा नेक्स्ट एटी वन होगा और उसके बाद एटी वन में हम फाइव ऐड करेंगे तो एट्टी सिक्स होगा तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करेंगे एटी वन एंड एटी सिक्स इज़ योर करेक्ट ऑप्शन सो आंसर सी इज़ करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स एन आर इज इक्वल्स टू डैश मिनट्स तो बच्चों हम सभी को पता है कि वन आर में हमारे पास सिक्सटी मिनट्स होते हैं सो द करेक्ट आंसर इज सिक्सटी डी नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन थ्री स्पाइडर्स हैव डैश लेग्स तो बच्चों आप सभी को पता है वन स्पाइडर के एट लेक्स होते हैं तो थ्री स्पाइडर के कितने होंगे तो आप एट को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे सो एट मल्टीप्लाई थ्री इज इक्व टू ट्वेंटी फोर लेग्स सो द करेक्ट आंसर इज सी ट्वेंटी फोर लेग्स नाउ क्वेश्चन नंबर एट अ मिनट इज इक्वल्स टू डैश सेकेंड्स तो बच्चों एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं आप सभी को पता है इन अ वन मिनट देर इज़ अ सिक्सटी सेकेंड्स सो करेक्ट आंसर इज ए सिक्सटी क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव एक साल में बच्चों कितने मंथ्स uh, होते हैं आप सभी ने कैलेंडर देखे हैं कैलेंडर वाले क्वेश्चंस भी किए हैं और सभी को पता है कि वन ईयर uh, में ट्वेल्व मंथ्स होते हैं सो द करेक्ट आंसर इज डी नाउ क्वेश्चन नंबर टेन सविताज मॉम बॉट एटीन के जी ऑफ राइस वाइल राधास एंड बॉबीज़ मोम बॉट ट्वेंटी फोर के जी एंड ट्वेंटी वन के जी ऑफ राइस रेस्पेक्टिवली वॉट इज़ द टोटल वेट ऑफ राइस दैट वॉज बॉट तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है सविता की मदर ने एटीन के जी राइस परचेज़ किया एंड राधा एंड बॉबी की मोम ने ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी वन के जी राइस परचेज किया तो so, यहाँ पर टोटल वेट निकालना है कितना होगा तो so, बच्चों हम एटीन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वन हम इनको ऐड कर देंगे ऑल uh, वेट्स को तो हमारा टोटल वेट सिक्सटी थ्री किलोग्राम आएगा तो बच्चों यहाँ पर हम आंसर चेक करेंगे डी इज़ योर करेक्ट आंसर तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर डी होना चाहिए नाउ क्वेश्चन नंबर एलेवन हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फ़रवरी हैव तो फरवरी में बच्चों कितने महीने डेज uh, होते हैं आप सभी को पता है ट्वेंटी एट डेज होते हैं सो द करेक्ट आंसर इज़ ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेवन इंटू एट मीन्स सेवन इंटू एट मीन्स क्या होता है बच्चों ऐट लॉट ऑफ सेवन एंड सेवन लॉट्स ऑफ एट ये आपका ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है सेवन लॉट्स ऑफ फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स लॉट्स ऑफ एट नन ऑफ दीज तो बच्चों ये ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे ये हमारे गलत ऑप्शन हैं uh, ये हमारा ऑप्शन जो है सही होगा

टू थिंग्स दिए हैं अ ब्रिक अ ज्योमेट्री बॉक्स वन के जी से ज़्यादा वेट किसका होता है जाहिर सी बात है बच्चों जोमेट्री बॉक्स आप सभी के पास है और ब्रिक भी आप जो है चेक कर सकते हैं आपके घर में भी होगा एक्स्ट्रा ब्रिक तो आप चेक कर सकते हैं आपकी ब्रिक जो होगी वन के जी से ज़्यादा होगी सो करेक्ट आंसर इज़ अ ब्रिक ना क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्टीन इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड तो बच्चों हमारा सेशन जो है अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है सो द करेक्ट आंसर इज ए अप्रैल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देयर आर डैश बनानास इन टू डजन तो बच्चों ऑप्शन है ट्वेंटी फोर ट्वेल्व थर्टी सिक्स जीरो सिक्स तो बच्चों वन डजन में ट्वेल्व बनानाज होते हैं जैसा कि आप सभी को पता है तो टू डजन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर सो द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फोर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अ पॉट कैन होल्ड टेन पेबल्स देन सच फोर पॉट्स होल्ड डैश पेबल्स तो बच्चों एक पॉट में टेन पेबल्स हैं तो फोर uh, पॉट्स में कितनी पेबल्स होंगी ये हमें फाइंड आउट करना है तो बच्चों टेन को हम फोर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ये मैंने हिंट दे रखा है यहाँ पर तो टोटल पेबल्स इज़ इक्वल्स टू फोर्टीन सो द करेक्ट आंसर इज बी फोर्टी पेबल्स क्वेश्चन नंबर एटीन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज रुपीज़ थ्री एंड देन कॉस्ट ऑफ फाइव पेंसिल विल बी रुपीज़ डैश तो बच्चों अ पेंसिल मीन्स एक पेंसिल की कॉस्ट जो है थ्री रुपीज़ है तो फाइव पेंसिल की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव कर देंगे बच्चों तो आंसर आएगा फिफ्टीन तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा फिफ्टीन इज़ योर करेक्ट आंसर ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सब्ट्रैक्ट वन फोर ज़ीरो माइनस वन थ्री फाइव तो बच्चों वन फोर्टी में से वन थर्टी फाइव अगर आप माइनस करोगे तो आपका जो है फाइव का डिफरेंस आएगा तो आपका आंसर बी जो है करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग नेम हैज सेम पैटर्न एंड सेम नेम इफ़ यू रीड इट बैकवर्ड तो बच्चों यहाँ पर ये नेम्स दे रखे हैं ए बी सी डी ओ एन जी बी आई जे एल ए जे एम ए टी एच एस एच ए आर एस एच तो बच्चों यहाँ पर हमें रीड करना है बैकवर्ड रीड करना है एंड एंड फॉरवर्ड रीड बोथ साइड करेंगे जिसमें हमारा सेम नाम आना चाहिए तो जब बच्चों यहाँ पर देखिए ओ है अगर हम इस वाले को रीड करते हैं ओ एन जी बी आई तो बट यहाँ पर अगर हम बैकवर्ड रीडिंग करेंगे तो यहाँ से आई से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा सेकेंड है जे एल ए जे अगर हमने इधर से जे एल ए जे पढ़ा तो अगर इधर से भी पढ़ते हैं तो जे एल ए जे इट मीन्स बोथ साइड से अगर हम फॉरवर्ड uh, पढ़ रहे हैं तो भी जलज आ रहा है अगर बैकवर्ड जा रहे हैं तो भी जला जा रहा है मीन्स दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर तो आप बी को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे बाकी आप दोनों ऑप्शंस को छोड़ देंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एन ऑक्टोपस हैज़ एट लेग्स हाँ मैनी लैक्स ऑल टुगेदर डू फाइव ऑक्टोप है तो बच्चों एक ऑक्टोपस के एट लेग्स हैं तो फाइव ऑक्टोपस के कितने लेग्स होंगे uh, हम मल्टीप्लाई कर देंगे एट मल्टीप्लाई फाइव इज ठू फोर्टी लेग्स तो ऑप्शन सी इज़ देअर करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अ लीप ईयर इज इक्व टू डैश डेज लीप ईयर मतलब बच्चों फेबर मंथ में ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं तो हमारा नॉर्मल uh, ईयर में थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज होते हैं बच्चों तो लीप ईयर में हमारा वन डे इंक्रीज हो जाता है सो थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स डेज जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री रामो ड्रिंक्स फोर ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर डज ही ड्रिंक इन अ वीक हिंट दे रखा है वन वीक इज इक्वल्स टू सेवन डेज तो बच्चों रामू नाम का एक बच्चा है जो एक दिन में फोर ग्लास वाटर ड्रिंक करता है तो हमें फ़ाइंड आउट करना है कि वन वीक में यानी कि सेवन डेज में कितने ग्लास ऑफ वाटर वो ड्रिंक करेगा तो बच्चों यहाँ वन डे का फोर ग्लास गिवन है तो हम सेवन डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी एट ग्लासेस सो द करेक्ट आंसर इज़ डी ट्वेंटी एट ग्लासेस नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट इज टू फाइव मल्टीप्लाई डैश तो बच्चों यहाँ पर एट जो है फाइव टाइम्स है सो एट मल्टीप्लाई सॉरी फाइव मल्टीप्लाई डैश की जगह पर एट हो जाएगा तो करेक्ट आंसर इज़ एट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अब बुक हैज सिक्सटी फोर पेजेस वट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ट्वेल्व सच बुक्स तो बच्चों एक बुक में हमारे पास जो है सिक्सटी फोर पेजेस हैं तो टोटल तो अगर ऐसी ही बुक है सेम पेजेस की तो कितनी टोटल पेजेस होंगी ट्वेल्व बुक्स में तो बच्चों सिक्सटी फोर को हम ट्वेल्व से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट पेजेस सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हाफ के जी इज़ इक्वल्स टू डैश ग्राम तो बच्चों आप सभी को पता है कि वन के जी में वन थाउजेंड ग्राम होता है तो हाफ़ के जी में वन थाउजेंड का हम हाफ कर देंगे तो फाइव हंड्रेड ग्राम हमारा करेक्ट आंसर होगा सो आंसर सी इज योर करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फाइंड दिसिंग नंबर एट मल्टीप्लाई डैश इज इक्व टू सेवेंटी टू तो बच्चों एट का हमें यहाँ पर टेबल पढ़ना है कितने टाइम्स में जो है सेवनटी टू आएगा सो वी नो दैट एट मल्टीप्लाई नाइन इज इक्स टू सेवेंटी टू सो द आंसर इज सी नाइन क्वेश्चन ट्वेंटी एट वन लीटर इज इक्स टू डैश बच्चों वन लीटर में आप सभी को पता है वन थाउजेंड मिली होता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन फाइव एप्पल्स इन ईच रो एंड देयर आर फोर रोज हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर तो बच्चों एक रो में फाइव एप्पल्स रखे गए हैं और ऐसे ही फोर रोज हैं तो आ, इन फोर रोज में टोटल कितने एप्पल्स आएंगे तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है फाइव को हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे सो फाइव मल्टीप्लाई फोर इज़ इक्वल टू ट्वेंटी तो मीन्स फोर रोज में हमारे ट्वेंटी एप्पल्स आएंगे सो द करेक्ट आंसर इज सी आप सी को टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी देयर आर फोर फैंस ईच फैन हैज़ थ्री ब्लेड्स वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ऑल तो बच्चों फोर uh, फ़ैंस uh, लगे हुए हैं और वन फैन में थ्री ब्लेड्स हैं तो टोटल कितने ब्लेड्स हो जाएंगे फोर को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जैसे किया गया है तो ट्वेल्व ब्लेड्स हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पर आंसर सी जो है करेक्ट होगा नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इंदूस पेंसिल फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग ज्योतिस पेंसिल इज़ एट सेंटीमीटर लॉन्ग हुज पेंसिल इज़ लॉन्गर हाउ मच लॉन्गर तो बच्चों यहाँ पर इंदू की पेंसिल जो है फ़िफ्टीन सेंटीमीटर की हाइट है और ज्योति की पेंसिल की एट सेंटीमीटर की हाइट है तो बच्चों माइनस कर देंगे फिफ्टी माइनस एट इज़ एक टू सेवन सेंटीमीटर तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि इंदु की पेंसिल जो है लंबी है लॉन्ग है ज्योति की पेंसिल से तो हमारा आंसर होगा इंदु पेंसिल तो यहाँ पर इंदु पेंसिल हम देखेंगे ये ऊपर पहले फ़र्स्ट ऑप्शन और सेवन सेंटीमीटर ज़्यादा है तो हमारा ऑप्शन ए e जो होगा ये करेक्ट होगा तो हम ए को करेक्ट मार्क कर देंगे ना क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देर आर ट्वेल्व डेस्क इन अ क्लासरूम ईच डेस्क हैज़ फोर लेग्स वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क तो बच्चों आप सभी के आ, क्लास में जो है सभी के पास डेस्क है और एक डेस्क में आपने देखा है कि फोर लेग्स होते हैं और ऐसे ही अगर ट्वेल्व डेस्क है बच्चों तो कितने टोटल नंबर ऑफ़ लेग्स हो जाएंगे इसके लिए हम लोग ट्वेल्व को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली तो टोटल हमारा आएगा ट्वेल्व जा फोर्टी एट सो आंसर सी इज़ योर करेक्ट क्वेश्चन थर्टी थ्री यहाँ बच्चों एडिशन दिया है लीटर एंड मिली लीटर ऊपर भी लिखा है नीचे भी लीटर मिली लीटर लिखा हुआ है तो इसको हम ऐड करेंगे बच्चों ज़ीरो प्लस जीरो इज़ीरो तो यहाँ पर हम आंसर भी चेक करते चले जाएंगे साथ में ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा एंड थ्री प्लस टू इज़ फाइव यहाँ पर हमने फ़ाइव लिख दिया टू प्लस टू इज़ फोर यहाँ पर मैंने फ़ोर लिख दिया तो ये फ़ोर फिफ्टी एम हो जाएगा बच्चों तो फोर फिफ्टी वाले यहाँ पर टू ऑप्शन हैं हमारे पास तो ये ये ऑप्शन ए भी है डी भी है अब हम इसमें चेक कर लेते हैं फाइव प्लस थ्री इज़ एट तो बच्चों यहाँ पर एट लिख देंगे देन सिक्स प्लस टू इज़ एट यहाँ पर एट लिख देंगे तो यहाँ पर एटी एट लीटर एंड फोर हंड्रेड फिफ्टी एम आया तो बच्चों ये चेक करेंगे ये हमारा 98 लीटर है ये हमारा 88 लीटर एंड 450 हंड्रेड तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 34 राजेश सेव्स रुपीज़ फाइव इन अ मंथ ही विल सेव रुपीज़ डैश इन ट्वेल्व मंथ तो बच्चों राजेश नाम का एक बच्चा है वो फाइव हंड्रेड जो है वन मंथ में सेव करता है तो टोटल ट्वेल्व मंथ में वो कितने रुपीज़ सेव करेगा तो बच्चों वन मंथ इज एक टू फाइव हंड्रेड रुपीज़ सो दैट ट्वेल्थ मंथ इज इक्स टू फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई ट्वेल्व फाइव हंड्रेड को ट्वेल्व से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो टोटल रुपीज़ जो है सिक्स थाउजेंड आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है तो इसको हम राइट right टिक कर देंगे ना क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इफ़ वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल बाई टेन वी विल गेट डैश तो बच्चों आप सभी को पता है कि अप्रैल मंथ में थर्टी डेज होते हैं तो थर्टी को आप टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रैल हैज़ थर्टी डेज सो दैट थर्टी मल्टीप्लाई टेन इज इक्व टू थ्री हंड्रेड तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी होगा और हम डी को टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द शॉर्ट हैंड इन अ क्लॉक इज डैश हैंड बच्चों आप सभी को देखा होगा क्लॉक आपके पास होंगे आपके पेरेंट्स के पास होते हैं तो जब जो सबसे छोटी हैंड होती है बच्चों वो हमारी आर हैंड होती है और यही हमारी शॉर्ट हैंड कहलाती है तो आप सी ऑप्शन को टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज़ मिलीग्राम ट्रू और फॉल्स बच्चों मिलीग्राम जो होता है वो स्मॉलर यूनिट होता है तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो ट्रू होगा क्वेश्चन थर्टी एट वन वीक इज इक्वल्स टू ट्वेल्व डेज ट्रू और फॉल्स तो बच्चों आप सभी को पता है वन वीक में सेवन डेज होते हैं तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है ये फॉल्स होगा तो ये वाला हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा आप इसे राइट टिक करेंगे ना क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर यस तो बच्चों कैपेसिटी को जो मेजरिंग करने की हमारी जो यूनिट होती है वो लीटर होती है तो इसे आप ए ट्रूम को राइट टिक करेंगे ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हंड्रेड फोर्टी फाइव के जी प्लस टेन ग्राम इज एक टू टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव ग्राम तो बच्चों यहाँ पर ये के जी यूनिट दे रखी है यहाँ पर ग्राम यूनिट दे रखी है और टोटल में के जी लिखा हुआ है तो इसको हम सही से ऐड करेंगे बच्चों टू हंड्रेड फोटी फाइव के जी प्लस टेन ग्राम इज एक टू हमारा हो जाएगा टू हंड्रेड फोर्टी फाइव पॉइंट वन ज़ीरो के जी तो यहाँ पर बच्चों ये टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव के जी लिखा हुआ है जो कि ये फॉल्स होगा तो हम फॉल्स वाले पे राइट right टिक कर देंगे तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास uh, थ्री के बच्चों का मैथ सब्जेक्ट का जो पी टी टू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा आप इसे घर में खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आई होप सो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पी टी टू में आ भी सकते हैं Now, thank you and have a nice day.